हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइफ, आप सभी का स्वागत है। तो आज की मेरी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा के बारे में। मलाइका अरोरा जो फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, इसके अलावा उनका काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल है, काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हैं वो। अपने वर्कआउट से लेकर अपने खान पीने तक सभी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हाल ही में मलाइका अरोरा ने अपनी COVID-19 की जो जर्नी रही, उसका जो एक्सपीरियंस रहा, वो सबके साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि कैसे COVID-19 ने उनकी लाइफ को इम्पैक्ट किया, कैसे COVID-19 की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई थी। उनके पास उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं रहती थी कि वे उठकर खुद बालकनी या विंडो तक जा पाएँ। इसके अलावा भी वो बताती हैं कि कैसे COVID-19 ने उनकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के हमारी स्पेशल वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में मलाइका अरोरा ने अपना COVID-19 का एक्सपीरियंस शेयर किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोरा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर मलाइका अक्सर बोल्ड अवतार में फ़ोटोज़ भी शेयर करती रहती हैं, जिसमें वे बेहद ही खूबसूरत नज़र आती हैं। आपको बता दें कि मलाइका की उम्र लगभग 46 ईयर्स हो चुकी है, लेकिन अपने बोल्ड और स्लिम लुक से वे आज भी नई एक्ट्रेस को टक्कर दे देती हैं। हालांकि मलाइका ने बीते साल कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से काफ़ी वेट गेन भी कर लिया था, जिसको कम करने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब हाल ही में मलाइका ने अपने कोरोना की जर्नी फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान उनके लिए दो कदम चलना भी बेहद मुश्किल हो गया था। साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया के जल्द रिकवर होने की भी प्रार्थना की। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और आपको कोरोना हो जाए, आपके लिए तो आसान ही होगा। वे कहती हैं कि ये बात मैं अक्सर सुनती हूँ। जी हाँ, मैं जीवन में कई चीज़ों के लिए ज़रूर लकी हूँ, लेकिन इसमें किस्मत का बहुत छोटा रोल होता है और आसानी से कुछ नहीं मिलता। मैं 5 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव हुई और ये बहुत बुरा समय था मेरे लिए। जो भी कोविड रिकवरी को आसान कहते हैं, वो या तो खुशकिस्मती से बहुत अच्छी इम्यूनिटी वाले हैं या फिर कोविड के संघर्ष से अभी वाकिफ नहीं हैं। मैं इनसे गुजरी हूँ और ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और मेरी जो हालत हुई थी वो मैं ही जानती हूँ। मलाइका आगे लिखती हैं कि कोरोना ने शारीरिक रूप से मुझे तोड़ के रख दिया था। दो कदम चलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। बस अपने बिस्तर से उठना या खिड़की पर खड़े होना एक जर्नी जैसा लगता था। यानी वे बताती हैं कि उनके लिए रोज़मर्रा के काम भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। इसके अलावा कहती हैं कि मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी। मेरा स्टेमिना भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसके बावजूद कि मैं बहुत अच्छी डाइट लेती हूँ और मेरी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। मैं अपने पूरे परिवार से उस समय दूर रह रही थी, मेरे परिवार वाले भी मेरे पास नहीं थे। इन सभी चीज़ों के चलते मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी। इसके बाद मलाइका लिखती हैं कि 26 सितंबर को फाइनली मेरा टेस्ट नेगेटिव आया और मैं बहुत खुश थी कि आखिर मैंने कर दिखाया है, लेकिन वीकनेस बनी रही। उसके बाद भी मैं निराश थी कि मेरा शरीर वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा जैसे मेरा दिमाग फील करता है। मुझे डर था कि मुझे कभी ताकत वापस नहीं मिलने वाली। मैं सोचती थी कि 24 घंटे में एक एक्टिविटी ख़त्म भी कर पाऊंगी मैं कभी या नहीं। मेरा पहला वर्कआउट बहुत अच्छा होता था, ख़तरनाक होता था। मैं कुछ भी ठीक से अब नहीं कर पा रही थी, मैं टूट सी गई थी। लेकिन दूसरे दिन मैंने वापसी की और खुद से कहा कि मैं खुद को बनाने वाली हूँ। इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा दिन और आगे भी मैं काफ़ी मोटिवेटेड रही। मुझे नेगेटिव हुए 32 हफ्ते हो गए हैं, मैं फाइनली पहले जैसा फील अब फाइनली करने लगी हूँ। 4 अक्षर के शब्द जिसने मुझे बहुत पुश किया वो थे होप, यानी HOPE, होप ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश किया इस पूरी जर्नी में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जबकि मुझे जैसा फील हुआ है वैसा किसी को फील ना हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। उसके साथ ही मलाइका ने उनका साथ देने वालों का बहुत शुक्रिया अदा किया और दुनिया के जल्द रिकवर होने की सभी से प्रार्थना की। दोस्तों, वहीं सूत्रों की माने तो मलाइका अरोरा अब जाके फाइनली बिल्कुल स्वस्थ फील करती हैं। इससे पहले उन्हें कई महीने लग गए पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, इसलिए अब वो फाइनली अपने फैंस के साथ इस मैसेज को शेयर कर रही हैं, इस जर्नी को शेयर कर रही हैं। आपको बता दें कि मलाइका अरोरा को लगभग 7 महीने लग गए
कोविड से पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। इसके बावजूद कि मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी जागरूक हैं, इसके बावजूद उन्हें कोविड ने काफ़ी सताया। कोविड के चलते उनकी ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए ज़रूर थम गई और अब भी वे इस पूरी बीमारी से पूरी तरह से रिकवरी कुछ हद तक तो कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोविड के चलते लोगों को कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक उसके लक्षण दिखते रहते हैं। और शायद ऐसे ही कुछ कहानी मलाइका अरोड़ा की भी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिश्ते की भी काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं। इनकी उम्र में काफ़ी फासले के चलते लोग अक्सर ही इनके बारे में बातचीत करते रहते हैं। हाल ही में अर्जुन कपूर भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन ये सुर्खियां वे अपने रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट की वजह से बटोर रहे थे। दरअसल अर्जुन ने हाल ही में मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में एक शानदार स्काई विला खरीद लिया जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 करोड़ के बीच आंकी गई है। आपको बता दें कि उनका ये नया घर 25 मंजिला इमारत में है जिसमें 80 स्काई विला हैं। अर्जुन कपूर ये घर 4 BHK अपार्टमेंट के लिए खरीद चुके हैं। उनके इस घर से वर्ली सी लिंक का नज़ारा साफ दिखाई देता है। इस घर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बना पूल और मिनी गोल्फ एरिया भी है। इसके अलावा भी अर्जुन कपूर के इस नए 4 BHK अपार्टमेंट में कई सारी सुविधाएं हैं। उनका ये घर 36 फ्लोर की बिल्डिंग में है जहां उनके लिए पूल, जिम, पेट कॉर्नर, लाइब्रेरी, प्ले एरिया, मिनी गोल्फ कोर्स, स्पा सहित कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस अपार्टमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनके इस घर की दूरी मलाइका अरोड़ा के घर से काफ़ी कम है। अर्जुन कपूर से पहले आलिया भट्ट, जानवी कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े कलाकार मकान खरीदने को लेकर सुर्खियों में आए थे। अब अर्जुन कपूर ने भी फाइनली अपना नया घर खरीद लिया है। वहीं अर्जुन कपूर के काम की बात करें तो अर्जुन कपूर की फिल्म संदीप और पिंकी फरार और सरदार का गैंग्स ग्रैंडसन हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ। इसी के साथ अर्जुन फिल्म विलेन 2 और भूत पुलिस में भी नज़र आने वाले हैं जिसको लेकर उनके फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो इस बात में दो राय नहीं है कि अर्जुन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग और बिजी चल रही है। इसी के चलते अब मलाइका अरोड़ा भी फैंस के साथ वापस अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करने लगी हैं जिससे ये मालूम होता है कि फाइनली मलाइका अरोड़ा COVID-19 से फिजिकली और मेंटली उभर चुकी हैं। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये खास रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी और वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। नमस्कार।